हेलो दोस्तों, आज हम आपको केमिस्ट्री के रिएक्शन के बारे में बताएंगे। बहुत लोगों को केमिस्ट्री में रिएक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बच्चों को रिएक्शंस नहीं आती हैं या फिर वो कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्लास 12th में जो होता है रिएक्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं। वो 5 नंबर की पूछी भी जाती है क्वेश्चन में। इसलिए हम आपको 5 मिनट में, आप बस वीडियो के एंड तक देखना, आपको रिएक्शंस जरूर से जरूर सिखा देंगे। उसके लिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑक्सीकरण और अल्कोहल, ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे करते हैं। ऑक्सीकरण जो होता है वो कैसे होता है और अपचयन कैसे होता है। एक तरफ हम एक टेबल बनाएंगे, एक ऑक्सीकरण की टेबल और एक अपचयन की टेबल। तो सबसे पहले हम एल्केन का ऑक्सीकरण देखते हैं। एल्केन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बनता है अल्कोहल, जो कि OH ग्रुप होता है। और अगर अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो होता है CHO ग्रुप होता है। और फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बनता है अम्ल, जो कि COOH ग्रुप होता है। इसी प्रकार हम अपचयन भी करते हैं। अपचयन में अम्ल का इसका जस्ट उल्टा होता है। अम्ल का हम अपचयन करवाएंगे तो बनता है एस्टेल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड का अगर हम अपचयन करवाएंगे तो प्रकार अपचयन करवाते हैं। सबसे पहले अम्ल का अपचयन करवाते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं तो बनता है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल का अपचयन करवाते हैं तो बनता है एल्केन ग्रुप। एक बार हम आपको फिर से बता दें कि जो हमको इस टेबल में चलना है ऊपर से नीचे की ओर, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। अगर आपको एल्केन देता है, अगर उससे अगर आपको चलना है तो एल्केन से आप नीचे की ओर चलेंगे। आपको सीधा सीधा चलना है ऊपर से नीचे की ओर। एल्केन का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो बनता है अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बनता है अम्ल। उसी प्रकार अपचयन में होता है कि अम्ल का अपचयन करवाएंगे तो बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो बनता है अल्कोहल, अल्कोहल का अपचयन कराएंगे तो बनता है एल्केन। अब हम आपको ऑक्सीकरण अपचयन करवाने के लिए कुछ उत्प्रेरक के नाम बताए दिए दे रहे हैं, जो रिएक्शन में आपको ऊपर एरो के ऊपर लिखना है। अगर आप ऑक्सीकरण करवाएंगे तो दो हम आपको बताए दे रहे हैं उत्प्रेरक। ऑक्सीकरण करवाने के लिए उत्प्रेरक आवश्यक होते हैं। पहला है KMnO4, दूसरा है K2Cr2O7। इन दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं, जो भी आपको लेना है ऑक्सीकरण में। और इसी प्रकार अपचयन में लेते हैं निकिल या फिर ZnHg/HCl या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आपको अपचयन करवाना है तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, जो भी आपको लेना है। और ऑक्सीकरण में अगर आपको ऑक्सीकरण करवाना है तो आप KMnO4 या K2Cr2O7 में से कोई एक ले सकते हैं। हमने आपके लिए यहाँ पर एक अलग से टेबल बना दी हुई है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की टेबल बनी हुई है। और उधर हमने आपके लिए साइड में उत्प्रेरक रख दिए हुए हैं, जो ऑक्सीकरण उत्प्रेरक होते हैं जिसमें यूज करना है, और अपचयन। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बताएंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ऑक्सीकरण कैसे होता है और अपचयन कैसे होता है। सबसे पहले हम एक दो तीन एग्जाम्पल लिखे ले रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम बनाएंगे एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से बनाएंगे एथेन। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH।
उससे हमें बनाना क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है एथेन का सूत्र। तो हमको दिया है ये, तो हम इसको ले लेंगे CH3COOH, ले लेंगे CH3COOH। उसके बाद हमें CH3COOH से बनाना है एल्केन। अब हम अपनी टेबल पे आते हैं, हमें अम्ल से बनाना है एल्केन। तो अम्ल से एल्केन बनाने के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करवाना पड़ेगा, अपचयन, अपचयन करवाना पड़ेगा। तो अपचयन के लिए हम इसका पहले, सबसे पहले अम्ल का अपचयन करवाते हैं, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो हम इसका एक बार अपचयन करवाएंगे, CH3COOH का अपचयन करवाएंगे। अब अपचयन के लिए आप इनमें तीनों में से कोई भी एक उत्प्रेरक ले सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया है निकिल, जब निकिल लिया तो क्या बनता है, CH3CHO एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का यहाँ पर अपचयन करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल। तो एल्कोहल बनेगा यहाँ पर, इसका अपचयन करवा दिया तो बनेगा इसका, इसके लिए हम ले लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक, तो बनेगा एल्कोहल CH3CH2OH, ये बनेगा। अब CH3CH2OH का एक बार हम फिर से अपचयन करवा दें निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बन जाएगा हमारा एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रही हूँ, हमको यहाँ पर एसिटिक अम्ल से बनाना है एथेन। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH और एथेन का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमको दिया होता है, जो दिया होता है वो ले लेते हैं, और जो बनाना होता है उसको एक बार हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि CH3COOH हम ले लेते हैं जो हमको दिया होता है, उसके बाद हम टेबल में चेक करते हैं कि हमको बनाना क्या है एसिटिक अम्ल से एल्केन। तो हम टेबल में, हमने क्या बताया आपको पहले, कि हमें ऊपर से हमेशा नीचे चलना है, ना कि नीचे से ऊपर जाना है, हमेशा ऊपर से नीचे चलना है। तो अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर एल्केन आता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम आएंगे तो सबसे पहले क्या आता है, अम्ल, अम्ल आता है। अम्ल का अपचयन करवाएंगे तो बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अपचयन करवाएंगे तो बनता है एल्कोहल, एल्कोहल का अपचयन करवाएंगे तो एल्केन। हमने वही यहाँ पर वही किया है, सबसे पहले हमने लिया एसिटिक अम्ल, उसका हमने एक बार निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराया, उत्प्रेरक आपको हमने वहां पर लिख दिया है, उत्प्रेरक निकिल उत्प्रेरक या तीनों में से कोई आप एक ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो हमने अपचयन करवाया तो बना CH3CHO। अब CH3CHO का एक बार हम फिर से अपचयन कराते हैं तो बनता है एल्कोहल, एल्कोहल का हम एक बार फिर से अपचयन कराते हैं तो बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये होगी आपकी पहले रिएक्शन। अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देख के बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें कि हमें बनाना है एथेन से बनाना है हमें एथिल अल्कोहल, एथेन से एथिल अल्कोहल बनाना है। आप कुछ भी ले सकते हैं जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन जैसा कुछ भी हो, ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी ले सकते हैं एथेन से एथिल अल्कोहल। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और बनाना क्या है हमको एथिल अल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये। अब हमको बनाना है एथेन से एथिल अल्कोहल, तो हम सबसे पहले अपनी टेबल में चेक करेंगे कि एल्केन से हमको बनाना है एथिल अल्कोहल। तो हम अगर ऑक्सीकरण में आए तो सबसे ऊपर आता है अम्ल, फिर एस्टेल्डिहाइड, फिर अल्कोहल, फिर एल्केन। तो एल्केन से अगर हम अल्कोहल बनाएंगे तो यहाँ पर हम उल्टा चले जाएंगे अगर हम अपचयन करवाते हैं, लेकिन यही पर हम अगर ऑक्सीकरण की टेबल में आएंगे तो देखते हैं कि एल्केन से अल्कोहल बनाना है तो सीधा सीधा ऊपर से नीचे आना है, उसमें हमको क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका ऑक्सीकरण के लिए हम इसका सबसे पहले एल्केन ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, उसके बाद हम इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं। उत्प्रेरक के लिए हम KMnO4 या K2Cr2O7 में से कोई एक ले सकते हैं, यहाँ पर KMnO4 लिया हुआ है, KMnO4 ले लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि एथेन से बनाना है हमको एथिल अल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो होता है एल्थेन का फॉर्मूला है, अगर और CH3CH2OH जो है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है, हमको एथेन एल्केन से बना है अल्कोहल। तो हम अपनी टेबल में चेक करेंगे कि एथेन से अल्कोहल बनाना है, उसके लिए हमको क्या करवाना पड़ेगा, ऑक्सीकरण। तो दोस्तों हम यहाँ पर ऑक्सीकरण करवाने के लिए अपना जो हमने उत्प्रेरक लिखे हैं तो उनमें से कोई एक ले लेते हैं और एक उसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं, तो सीधा हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम ऑक्सीकरण
दोस्तों इस प्रकार हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये याद रखनी होगी कि जितने कार्बन आप यहाँ पर लेते हैं, अगर यहाँ पर दो कार्बन है तो आपको दो ही कार्बन का प्राप्त होगा, दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पर उत्पाद वो केवल दो ही कार्बन का ले सकते हैं। अगर आप एक कार्बन यहाँ पर लेंगे तो आपको एक ही कार्बन यहाँ पर प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसमें आप खासकर याद रखिए, अगर आपको कार्बन चेन यहाँ एक से दो करनी है या दो से एक करनी है तो उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपके लिए पूरा 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 वीडियो डालेंगे। अगर आपको इसमें इस पूरे टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। उसके लिए अगर आपको अगर फॉर्मूले पढ़ने में कोई भी दिक्कत हो रही है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए नया वीडियो डालेंगे।